हेलो पापा, हेलो हेलो दादू, कितने हेलो दादू, ठीक हो गया थोड़ा? टिड ठीक हो गया? टिड करती पापा छुट्टी डॉक्टर ने? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो गाइस, आपने जैसा कि रिकॉर्डिंग देखी, मैंने की थी पापा के साथ बात और पापा का आया था मुझको फ़ोन और क्या बात की और मैं क्या कह रहा था दादू को, क्या छुट्टी मिल गई, कहाँ से मिल गई छुट्टी, हॉस्पिटल से मिल गई, उनको क्या हो गया, उनको क्या नहीं हुआ। तो गाइस वो बताने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा कि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दादू थे, उन्होंने जब हम स्पेन गए होते, उन्होंने कराया था ऑपरेशन, ऑपरेशन कराया था, वो भी हर्निया का ऑपरेशन कराया था। वो एकदम ही जो ये सैटरडे नंकर गया है, अभी सैटरडे, ये वाला आने वाला सैटरडे नहीं, उससे पहले वाला सैटरडे जो नंकर गया है, वहाँ पे उनका उनका यहाँ पे बहुत टीट दुखने लग गया था, है ना। तो बुखार भी उनको था, सुबह से लेकर दोपहर तक बुखार रहा था, 103 बुखार उतरा ही नहीं है, 103 बुखार। फिर उनको हबरी में हॉस्पिटल लेकर गए, 40 हॉस्पिटल शायद चंडीगढ़ में, पता नहीं कहाँ पे है, 40 हॉस्पिटल लेकर गए। फिर उनको एडमिट किया गया 4 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। और आज हो गया है थर्सडे, वो गए हुए हैं सैटरडे के, सैटरडे टू संडे 1 डे, मंडे टू ट्यूसडे 2 डेज, वेंसडे टू थर्सडे 3 और 4 डेज हो गए हैं उनको एडमिट हुए हॉस्पिटल में। इतना दर्द हो रहा था, फिर उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया और ग्लूकोज से उनकी वो जो तबीयत है वो ठीक हो चुकी है। तो वो आपको, वो घर में आ रहे हैं, आज आ जाएंगे वो घर पर। और मेक श्योर आपको पिछली जो वीडियो थी जो मैंने आज ही अपलोड की है, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी आप देख लेना। और ये है हमारा व्लॉग, तो व्लॉग भी देखना। और यहाँ पे पड़ी हुई है रणवीर सिंह की स्कूटी, तो उसके सामने ही पूरी बैठी हुई है। तो अभी हम चलते हैं अंदर क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा गर्मी और हमें छुट्टियाँ हो गई हैं, ऑनलाइन छुट्टियाँ हो गई हैं 3 दिन के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तब भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं 3 दिन में है, और स्कूल लगाता नहीं ऑनलाइन क्लास, हमारे स्कूल लगा देते हैं ऑनलाइन क्लास। ये रही स्कूटी गाइस, ये क्या है, लगता है ये पूरी की पॉप है, पूरी ने पोती की है इसमें, पूरी तो 40 कर दिया, घर जा। तू तो पोटी कितनी है हमारे थैले च, है डेजी नहीं आई? डेजी मैं भी तेन बहुत याद करता, डेजी पूरी भी याद करती है तेन, पर जद डेजी कही ना एक्टिव ज्यादा हो गई, वरना तो एक्टिव नहीं रहती, पई रहती सी, हूँ ज्यादा ही एक्टिव हो गई। हो पूरी तेरा खाना खाते हो, पंछी देखो गाइस, पूरी पंछी देखो गाइस, वो देखो 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 वो देखो तुरते तुरते खाते पे हो तो खाना। चलो गाइस आप अंदर चलते हैं। नीनो मिना रानो नीनो मिना, ਹੁਣ 1300 ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੁਪਏ ਆ।
तुमने मेरा नॉर्मल तो बाबा चिंग 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 मामा भूख लगने लगी टेट तो है ना मोटा तेरा भूख लगने लगी। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं एक और अभी मांज रही है पांडे सेट कर रहे हैं पांडे मैं कह रहे हैं मेरा फोन दे दे तू आ दादी ग्लेस खा आ देख आ देख खांदा आ बिस्कुट खांदा यार गाइस ये खांदा ही रहता है हमेशा हा हा सामने आया यूवी का चेहरा ये रहा गाइस मोटू हमारे घर का। तो गाइस मुझे खबर मिली है कि पापा होने आ चुके हैं तो अभी मैं गेट खोलने जा रहा हूँ तो मैं गेट खोल रहा हूँ तो ये गाइस मेरा पोपट हो गया है मैं क्या बताऊँ क्या रहे से गैरेज वाला गेट खोल दे मुझे लगा ये गैरेज कह रहे हैं दादी जब दादी होने आए थे तब भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई दादी ने बताया नहीं कौन सा गेट खोलना है मैंने भाई यही गेट खोल दिया पहले बताना चाहिए ना कि कौन सा गेट खोलना गैरेज वाला कौन सा पापा ने ये भी कहा कि नवा गेट खोल पापा तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। दादू आप कैसे हो गाइस मेरे लिए बहुत सामान लेकर आए मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको और क्या करें काम तो हमसे मिलता ही रहता है आपको पता ही है यहाँ पे फेंकता हूँ चल चल गाइज मैं आपको दिखाता हूँ गाइज मेरा ना पूरी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसके चैनल को तो क्या है ब्रेड है और क्या है इसमें है रोस्टेड और तो क्या है मखाने हैं चीज है बहुत चिन्नी है तो रहने दे तो चिन्नी है तो रहने दे बस चिन्नी नहीं पिंदे आपा लो हेलो तो यहाँ पे ये पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर आए हैं जो लगते हैं माइक्रोवेव में मम्मा अभी लेके आए हैं इंडिया वाले छतरियाँ पापा खोल के दिखाओ पापा छतरी ये डब्बे गाइस यहाँ पे रख दिए हैं जहाँ पे लेकर आए सामान वगैरह सारा काम मुझे ही देते हैं ये लोग चलो आगे बढ़ते हैं गाइस देखिए सभी लोग और दादू आ चुके हैं घर की तरफ हॉस्पिटल में 4 दिन रहे हैं एडमिट तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और दादू घर आ चुके हैं और आपको अगला ब्लॉग चाहिए हमारा ब्लॉग चाहिए तो ब्लॉग लेकर आऊँगा अगर आपको स्टोरी रिलेटेड कुछ चाहिए तो स्टोरी रिलेटेड लेकर आऊँगा तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो चलते के गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय